सम प्रिंसिपल टू बिकम रिच इन द लाइफ। ये कुछ बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमेशा याद रखना। मैं करीब आपको 15 या 16 साल के लिए एक अचीवमेंट दे रही हूँ। मैंने 9 या 10 साल रोडों पे धक्के खाकर सीखा है कि अगर हम इन कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हमारी लाइफ सेट है और हम अपनी लाइफ की सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि पैसे कमाना आसान है या मुश्किल? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल बड़ा ही खतरनाक है। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। पैसे कमाना बहुत ही आसान है, पर एक ईजी प्रोसेस भी नहीं है। ये मेहनत चाहिए इस पैसे कमाने के प्रोसेस में। मॉर्निंग वॉक इज अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट ईजी, बिकॉज कई लोगों को सुबह उठने में बहुत ही ज़्यादा जोर आता है, इसलिए ये ईजी प्रोसेस नहीं है, बट बहुत ही आसान है अगर हम करना चाहें तो। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। कोई भी आसान चीज़ बहुत ही आसान नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। कि कोई भी सिंपल प्रोसेस होगा उसको करना हमेशा ही बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आसान होता ना तो आज सब अमीर होते, क्योंकि मुश्किल है इसलिए सब इसको ले नहीं पाते हैं। जो इन बातों को सुनेगा और समझेगा वही अपनी लाइफ में अचीव होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ कहते हैं हम ये काम कल करेंगे, कल करेंगे, कल कल करते करते उनका पूरा 1-1.5 महीना निकल जाता है वो काम, और वो कई महीनों तक तो करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो काम करने में तो इजी है पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। फिर बोलेंगे अरे हम तो करने ही वाले थे वो चीज़, पर वो तो हमारे हाथ से ही निकल गई। हम तो करने ही वाले थे, अभी कल कर लेते, परसों कर लेते, नहीं उस दिन, अरे हमने किया ही नहीं। हमें करना चाहिए था उसी टाइम जब हमारे हाथ में वो चीज़ आई, पर हमने उसको मेहनत की ही नहीं। हमने सोचा कल करेंगे, कल करते करते वो हमारे हाथ से ही चीज़ निकल गई। इजी प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जीवन में अचीव होने के लिए आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी। चलो आज मैं आपको एक चीज़ का एग्जांपल देती हूँ। आई कलेक्ट 100 रुपीज़ फ्रॉम एनीथिंग, ओके? तो मैंने वो 100 रुपीज़ कहीं पे रख दिए, तो वहाँ पे उसका कचूमर बन गया, बिल्कुल ही ख़राब, मतलब हो गई उसकी कंडीशन। फिर मैंने उस पैसों को तभी भी लिया और आई थिंक ये मेरे काम के हैं, तो मैंने उसको ले लिया, बट वो मेरे यूज़ में भी आया। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को किसी से कम मत समझना। लोग आपको पीटेंगे, मारेंगे, निचोड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करेंगे, बट आपको कभी नहीं बदलना है लोगों के कारण। जब वो 100 रुपीज़ का वैल्यू कम नहीं हुआ, उसको इतना मरोड़ दिया, निचोड़ दिया, बहुत कुछ कर लिया उसके साथ, पर उसका 100 रुपीज़ ही रहा और वो 100 रुपीज़ में ही गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम घिस जाएंगे या हम को चोट पहुंचेगी या हमें कुछ भी होगा। नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हम इनको अचीवमेंट की जगह नेगेटिव थिंग दिखाएंगे तो वो ये नेगेटिव थिंग ले लेंगे, पर ऐसा हमें नहीं करना है। अगर उस पैसे का वैल्यू कम नहीं हो रहा है तो आपका वैल्यू भी कोई कम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर किया फिर आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। अब हम ले लेते हैं 2 स्टूडेंट्स की बात। दोनों स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है? एक फ्रेंड की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, एक दूसरा फ्रेंड जो था वो मेहनत कर रहा था बट उसको अभी तक अचीवमेंट नहीं मिल रही थी, बट जो
फर्स्ट वाला फ्रेंड था उसको बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट मिल चुकी थी और जो सेकंड वाला था उसको नहीं मिल रही थी। फर्स्ट वाले को लगातार अचीवमेंट मिलती गई और वो अचीवमेंट लेता गया, बट उसकी अचीवमेंट किसी काम की नहीं थी, उसने जल्दीबाजी में अचीवमेंट ली थी। और जो सेकंड वाला था उसने मेहनत करता गया पर उसको अचीवमेंट नहीं मिल रहा था, तो ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फर्स्ट वन, उसने अपने आप को फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करके क्या हुआ, वो अपनी इमेज भूल गया, अपने आप को जो करना था उसको, जो अचीवमेंट चाहिए था वो अपने आप की अचीवमेंट भूल गया कि मेरे को कुछ करना भी है लाइफ में। वो मेहनत ज़्यादा कर रहा था पर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। जो फर्स्ट वाला था उसने मेहनत भी नहीं की, बस उसको अचीवमेंट मिल गया। तो फिर सेकंड वाले का जो मेहनत नहीं मिल रहा था, उसने फर्स्ट वाले को बोला कि अभी तक हमें मेहनत क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को चाहिए अपनी मेहनत और मैं अभी तक वेट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वाले ने उसको अपना तरीका बताया तो उस पर वो चलने लग गया, तो दोनों को अचीवमेंट तो मिलने लग गई बट सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिली। और इधर ही अगर सेकंड वाला अपनी अचीवमेंट पे चलता रहता, अगर अपने मोटिवेशन पे चलता रहता, तो उसे अपनी अचीवमेंट मिलती, अपना सक्सेसफुल मिलता, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ हमें कि अब यार इसका तो हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा अभी तक नहीं हुआ, इसका इतने सारा हो गया, इतना सारा इसको सक्सेसफुल मिल गया, इतना सारा अचीवमेंट मिल गया, अरे भाई सब्र रखो, तुम्हारा भी दिन आएगा और तुमको उससे ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, उससे ज़्यादा तुम सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें अपनी लाइफ में अचीवमेंट मिल सकता है अगर तुम अपनी मेहनत पे कायम रहते हो, अगर अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो अपनी लाइफ में कभी भी। अगर वो आए कि तुम्हें सक्सेसफुल नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, मेरे को तो मिल गया यार, मेरे को तो मिल गया, तुम्हें तो मिला ही नहीं, तो उससे साफ कह देना मेरा मेहनत का है, मिलेगा, लेट मिलेगा, टाइम लगेगा यार, मेहनत की है, मिलेगा तो सही पर टाइम लगेगा थोड़ा, तुम्हें जल्दी चाहिए था, तुमने मेहनत कम करी और अचीवमेंट पा लिया, मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, अचीवमेंट भी मिलेगा और वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, पर मुझे मिलेगा और वो भी किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा अचीवमेंट मिलेगा, और अचीवमेंट ऐसा मिलेगा कि तुमसे भी ऊपर जाएंगे हम, उसको ऐसे बोल देने का, ना कि उसके पीछे जाने का कि तुमने कैसे अचीवमेंट पाई, मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ तो मेरे को भी जल्दी से जल्दी अपना सक्सेसफुल मिल जाएगा। तो वो सक्सेसफुल किसी काम का ही नहीं रहेगा आपका, और अगर आपने अपनी मेहनत पर कायम रहे तो बहुत ही ज़्यादा काम का है आपका अचीवमेंट प्लस सक्सेसफुल। तो मैं आपको इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशन टॉपिक्स देती हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें या नोटिफिकेशन डालें तो सबसे पहले आपके पास आए और आप हमारा वीडियो देखकर मोटिवेट हो सके और अपने भविष्य को सफल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट मोटिवेशन इन योर सक्सेसफुल लाइफ।